हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है माय प्रोजेक्ट एसडी पर। फ्रेंड्स, समस्या हमारी कोऑर्डिनेटर टोटो से चल रही है, जिसमें हम कोऑर्डिनेटर के सभी बेसिक एडवांस टॉपिक कंप्लीट कर चुके थे। देन उसके बाद हमने ब्लॉगिंग सिस्टम का एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, जिसमें हम पोस्ट कमेंट पर वर्क कर रहे थे। हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में पोस्ट की कमेंट क्रिएट करी की थी, एंड उसके बाद पोस्ट की कमेंट जो थी उसे हमने फेच करके कंसोल पर प्रिंट किया था। हम जब इस बटन पर क्लिक करते हैं तो हमारी जो पोस्ट की कमेंट है वो हमें यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है। आज हम इन पोस्ट की कमेंट को यहाँ पर डिस्प्ले करेंगे। जो ये सेक्शन दिख रहा है आपको, यहाँ पर यूज़र नेम और कमेंट जो दिख रही है, यहाँ पर हम इसे डिस्प्ले करेंगे। तो इसके लिए आते हैं हमारी जावास्क्रिप्ट फाइल पर। ये हमारी जेएस फाइल है, जहाँ पर हमने इसे फेच करके यहाँ पर कंसोल किया हुआ है। तो इसे कंसोल की जगह अब हम यहाँ पर लूप चलाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लूप चलाएंगे, यहाँ पर कंडीशन लगाते हैं कि डॉट की जावास्क्रिप्ट लेंथ होती है, लेंथ होती है जिसका यूज़ करके हम इसकी लेंथ गेट कर लेते हैं अरे की। तो इस तरीके से हम एस टी आर डॉट लेंथ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि इफ़ कमेंट डॉट लेंथ अगर ग्रेटर देन ज़ीरो होगा तो हमारा लूप चलेगा, अदरवाइज हम एल्स में आ जाएंगे। तो यहाँ पर हम लूप लगाते हैं, देन यहाँ लिखेंगे कमेंट डॉट मैप, और उसके अंदर हम हमारा आइटम गेट करेंगे सिंगल, और उस आइटम को यहाँ पर करेंगे सोल डॉट लॉग। और आइटम देन इसे हम यहाँ से करेंगे रिलोड। देन ये देखिए हमारी सारी कमेंट लूप में है, वन बाय वन आइटम यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। अब हम हमारे इस पॉपअप पर इसे शो करेंगे। तो यहाँ पर हम एक कंटेनर बनाएंगे डीयू, और यहाँ क्लास लगाते हैं शो कमेंट, और उसके अंदर हम हमारी कमेंट को डिस्प्ले करेंगे। तो यहाँ पर इसे कॉपी करेंगे और यहाँ पर हम लिखते हैं डॉट अपेंड एंड सबसे पहले हम इसे कर लेंगे यहाँ पर ब्लैंक, एचटीएमएल करेंगे इसे ब्लैंक, और उसके बाद हम हमारी कमेंट को करेंगे प्रिंट। इसे हम हमारे जो ड्यू का ब्लॉक है से करते हैं ऐसे कट, एंड यहाँ पर हम इसे करते हैं पेस्ट। ये डिफरेंट डिफरेंट लाइन में आ गए, तो इन्हें सभी को हम एक ही लाइन में करेंगे सबसे पहले। लाइन में आ चुके हैं एंड इसमें अब हम हमारा कंटेंट पुट करेंगे। तो हम इसमें आइटम को कॉपी करते हैं, देन यहाँ पर डिस्क्रिप्शन आ रही है, और यहाँ पर हम लिखते हैं कमेंट आइटम डॉट कमेंट, हमें जो मिलती है वो हम कमेंट यहाँ पर पास करेंगे। और हमें एक और चीज़ चाहिए, यूज़र नेम। तो यूज़र नेम अभी हमारे पास है नहीं, तो हम यूज़र नेम को हम ज्वाइन लगा के गेट करेंगे। तो अभी हम इसे सही रहने देते हैं, हम इसे करते हैं रिलोड, देन इसको हम क्लिक करते हैं। तो देखिए हमारी जो कमेंट है वो सभी कमेंट यहाँ पर डिस्प्ले हो गई है। अब हमें यूज़र नेम चाहिए, तो यूज़र नेम के लिए हम यहाँ पर आते हैं हमारी व्यू फाइल पर, और यहाँ पर लगाते हैं हम ज्वाइन, और यहाँ लिखते हैं हम डॉलर दिस डी बी ज्वाइन, और ज्वाइन लगाते हैं हम हमारी यूज़र टेबल से।
यहाँ पर हम लिखते हैं कि जो हमारी पोस्ट कमेंट के अंदर जो यूज़र आईडी है वो अगर इक्वल होगी हमारी यूज़र्स टेबल की आईडी से, तो हम यहाँ पर देंगे कि जो पोस्ट कमेंट है उसकी सभी वैल्यू फेच करेंगे और जो यूज़र्स है उसके अंदर से हम लेंगे डॉट नेम एज यूज़र नेम, और हमें यूज़र नेम मिल जाएगा। तो हम इस यूज़र नेम को यहाँ पर शो करेंगे आइटम डॉट यूज़र नेम करके। तो यहाँ पर हम करते हैं इसे शो, तो ये जो यूज़र नेम है इसकी जगह हम देंगे यहाँ पर आइटम डॉट यूज़र नेम, एंड इसे हम करते हैं रिलोड, क्लिक करते हैं। तो देखिए यहाँ पे टेस्ट यूज़र ने कमेंट की थी, तो यहाँ पे टेस्ट आ रहा है। अगर हम किसी और यूज़र से कमेंट करते हैं, हम इसे एक और टाइम में ओपन करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं लोकल होस्ट स्लैश ट्यूटोरियल ब्लॉक सिस्टम, और यहाँ पर हम लॉगिन करते हैं डेमो यूज़र से। demo@gmail.com छे एंड लॉगिन करते हैं, एंड यहाँ से हम एक कमेंट करेंगे। तो देखिए कमेंट सक्सेसफुली एडिट, और अगर हम ओपन करते हैं तो देखिए यहाँ पर टेस्ट यूज़र की कमेंट आ रही है, एंड अगर हम नीचे देखें तो यहाँ पर डेमो यूज़र की कमेंट आ रही है, लेकिन ये सबसे लास्ट में ही है, सबसे पहले कमेंट जो हमने की थी अभी करंटली। तो इसके लिए हम यहाँ पर ऑर्डर पर लगाएंगे, इसके लिए हम यहाँ पर ज्वाइन के जस्ट बाद लिखते हैं डॉलर धीस db ऑर्डर बाय, और इसमें हम लिखेंगे कि जो पोस्ट कमेंट की जो आईडी है वो होगी DESC डिक्रीजिंग ऑर्डर में, एंड इसे हम करते हैं सेव अगेन, इसे रिलोड करेंगे। तो अब हमें जो डेमो यूज़र वाली कमेंट है वो सबसे पहले दिखेगी, तो ये देखिए डेमो यूज़र की कमेंट हमें सबसे पहले दिख रही है, और अगर हम किसी और पर क्लिक करते हैं तो उसकी कमेंट, यहाँ पर हमें सभी कमेंट दिख रही, देखिए हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये देखिए हमारी जो कमेंट है वो हट नहीं रही है, हमारी ओल्ड कमेंट यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है। अगर इसे रिलोड करें और इसे क्लिक कर दें, इस पर कोई कमेंट नहीं है, तो देखिए नॉर्मल आ रहा है, लेकिन अगर हम एक बार अगर इसे पे क्लिक कर देते हैं जिस पर कमेंट है, और उसके बाद अगर हम किसी और पर क्लिक करते हैं तो वही कमेंट SLDs हमें यहाँ पर मिल रही है। तो उसका हमें सॉल्यूशन ये करना होगा कि जो ये हमारा HTML वाला ब्लॉक है इससे हम कॉपी करें और इसके एल्स ब्लॉक में यहाँ पर इसे हम करेंगे पेस्ट, कमेंट नॉट फाउंड, और इसे हम लिख देंगे H2 में, एंड सेव करते हैं, एंड इसे अगेन हम करते हैं रिलोड। तो देखिए इस पर हमारी जो कमेंट होगी तो वो कमेंट आ रही है, एंड अगर हम ऐसे किसी पे क्लिक करते थे जिस पर कमेंट नहीं है तो यहाँ आ रहा है कमेंट नॉट फाउंड, इसे हम नॉर्मल पी टैग में लिख देते हैं एंड सेव अगेन रिलोड करेंगे। तो देखिए कमेंट नॉट फाउंड आ रहा है, और अगर हम कमेंट वाले पे करते हैं तो यहाँ पर हमारी सारी कमेंट डिस्प्ले हो रही है, और अदर पे क्लिक करते हैं तो कमेंट नॉट फाउंड आ रहा है। तो फ्रेंड्स ये हमारा कमेंट सेक्शन कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने कमेंट को क्रिएट किया, देन हमारे इस पॉपअप पे कमेंट को डिस्प्ले किया है। इसके नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम शेयर कमेंट शेयर पोस्ट पर वर्क करेंगे, जिसमें यूज़र पोस्ट को शेयर कर सकता है। तो फ्रेंड्स अभी इसे देते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक एंड शेयर करें, और हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब करें ताकि हम जो भी नई वीडियो अपलोड करें उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। और फ्रेंड्स अगर आप मेरे और भी डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्ट ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, यहाँ पर आपको मेरे प्रोजेक्ट सेक्शन में मेरी डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट ट्यूटोरियल सीरीज मिल जाएगी, जहाँ से आप इनके वीडियो ट्यूटोरियल भी देख सकते हैं, साथ साथ इनके सोर्स कोड भी डाउनलोड कर सकते हैं। आपको मेरी वेबसाइट की लिंक इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।